यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे समझिएगा, अ कमिटी ऑफ 11 पर्सन मेड फ्रॉम 8 मेन, अ कमिटी ऑफ 11 पर्सन इज फ्रॉम 11 पर्सन की कमिटी बनाना है, 8 मेन एंड 5 फीमेल, इससे 11 की कमिटी बनाना है, टोटल अगर हम देखें तो 13 पर्सन है। ओके अब क्या बोला है, वेयर एम इज नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 6 मेल, एम जो है वो एटलीस्ट 6 मेल को बता रहा है, ठीक है, एंड एन इज द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फीमेल या 3 वुमेन, एन जो है वो 3 फीमेल को बता रहा है एटलीस्ट। तो आपको एम और एन में रिलेशन बताना है बेसिकली, कि एम और एन क्या क्या हो सकता है, कि एम प्लस एन इक्वल टू 78 या एम इक्वल टू 68, एम इक्वल टू एन इक्वल टू 68 माइनस एन इक्वल टू 8, इस तरह का एक रिलेशन आपको यहां पर बताना है, राइट यस। क्या करेंगे इसमें, देखिए सिंपल, पहले अगर एटलीस्ट 6 मेन की बात करें तो इसको m बोल रहे हैं, तो m इक्वल टू 8c6, 8c6 इंटू 5c4, वाई 5c4, सॉरी 5c5, बिकॉज आपको ओवरऑल 11 की ही कमिटी बनाना है, ये भी हो सकता था एक केस 8c7 तो 5c4, और एक भी हो सकता था कि 8c8 देन 5c3 देन 5c3, इसका सब हमेशा 11 रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 8c6 यानी 8c2 के इक्वल हुआ, तो 8 अपॉन 7 या 2, ये हो गया कितना 4, 28 प्लस 8c7 8 इंटू 5 प्लस 8c8 1, 5c3 इज 5c2, 5 इंटू 4 10, तो 28 प्लस 40 प्लस 10 दिस इज 78, यानी m की वैल्यू 78 है, राइट right? अब इधर पे आते हैं, अब यहां पर अगर हम देखें तो क्या होगा, एटलीस्ट 3 वुमेन मतलब 5c3, तो उस केस में आपको 8 में से 8 मेन ही सिलेक्ट करना है, राइट 8 में से 80 मेन सिलेक्ट करना है, यानी एक केस हुआ, हो सकता है कि 4 वुमेन हो तो 5c4 तो 8c7, हो सकता है 5 वुमेन हो तो 5c5 8c6, बाई चांस ये भी वही सेम रिजल्ट आएगा 78, तो m इक्वल टू n, ये n है तो m और n की वैल्यू इक्वल है, शायद ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया, ये m इक्वल टू n इक्वल टू 78 होगा, देन दिस इज द राइट आंसर। क्या रिलेशन हुआ, m और n की वैल्यू 78, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, m एक केस है जिसमें कि एटलीस्ट 8 मेन है सॉरी 6 मेन है, और n एक ऐसा केस है जिसमें एटलीस्ट 3 फीमेल है 3 वुमेन्स है, तो आपको m और n का रिलेशन बताना था, तो आपने एटलीस्ट 6 हो तो 6 से स्टार्ट किया और एटलीस्ट 3 था तो 3 से स्टार्ट किया, पर दोनों में वैल्यू सेम आएंगी इसलिए m इक्वल टू n हुआ, राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन fx डिफाइंड ऑन रियल टेंस टू -1 टू 1 टेंस टू a, fx x2 अपॉन 1 -x2 फाइंड a सच दैट fx इज सर्जेक्टिव। अब इसमें एक चीज को बेसिकली a मतलब रेंज है, इसका रेंज बताना है। अब आपको मैंने बहुत ही अच्छे से फंक्शन का कंसेप्ट बताया था बहुत ही डिटेल में, आप इसे x की फॉर्म में बना ले तो x की फॉर्म में बनाएंगे तो y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए ये कॉमन ले लेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई, राइट और ये एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वाई, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, राइट क्या किया आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कॉमन लिया ये आ गया, अब एक तरह से x ऐसा आ गया, आप ऐसा सोचिए y अपॉन 1 प्लस y, इसकी जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज कहलाएगी, यानी y अपॉन 1 प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपको केवल इतना सा एक काम करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, जब जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो रियल लाइन पे मिलेगा -1 एंड 0, -1 एंड 0। अब देखिए कुछ एक कंसेप्ट यहां पर ध्यान रखना होता है कि आपको किस ढंग से करना है, अब सबसे पहले ये बताइए अगर मैं यहां पर इसकी डोमेन देखूं तो हम बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर, क्योंकि आपको पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये -1 से 0। अच्छा यहां पर 0 इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि -1 से +1 के बीच की वैल्यू आपने यहां पर नहीं रखी है, तो यहां पर 0 रखते तो 0 मिलता, तो 0 ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब यह हुआ, और दूसरी बात कि निगेटिव भी नहीं मिलेगा, दूसरी बात निगेटिव भी नहीं मिलेगा क्योंकि -1 से, तो ऑल रियल नंबर -1 to 0, राइट ऑल रियल नंबर -1 to 0। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है,
इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, आप लोग मैं एक बात जरूर बोलूंगा, आप लोग क्विक रिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर देखना या क्विक रिवीजन बाइनोमियल, जो जो चीजें क्विक रिवीजन में करवाई थी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, आप देखोगे बिल्कुल वही क्वेश्चन आया। इसमें मैंने स्ट्रिक्टली बोला था इसके रूट जो होते हैं वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जिसे यहां पर अल्फा बीटा बोलना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और बहुत ही ध्यान से आपको बोला था सब चीजें। अगर आपने लास्ट टाइम पे फाउंडेशन कोर्स हर क्वेश्चन देगा, इसका मतलब यहां पर अल्फा का मतलब ओमेगा, बीटा का मतलब ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं इन तीनों को ऐड कर दो, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो वाई मिलेगा, यहां पर भी वाई मिलेगा, यहां पर भी वाई मिलेगा, और अल्फा को किसी एक को मान लो ओमेगा, तो दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब क्या मिला, ये वाई बाय वाई दो को जीरो बनाएंगे, यहां पर देखिए बीटा की जगह रखा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वाई प्लस ओमेगा वन वन एंड वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब लॉजिकली देखें तो वाई 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 डायगोनली यानी वाई क्यूब या इस तरह का कोई भी आंसर हो सकता है। अब सबसे पहले एक चीज देखिए, ये नहीं होगा वाई स्क्वायर वाला, नहीं होगा ये, नहीं होगा ये, दो तो नहीं होंगे, क्योंकि डायगोनली अगर वाई थ्री टाइम दो आंसर रिजेक्ट हो गए, चांसेस उसी के हैं। पर आप दो को जीरो बना लीजिए तो देखिए क्या होगा, अब डायरेक्ट करिए y के साथ ये बचेगा आपको, अब इसको इससे माइनस किया तो क्या आएगा, y प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वन माइनस ओमेगा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट, और इसके साथ किया तो वन माइनस ओमेगा, और इसके साथ किया तो y प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, बस। अब आपको इसको और इसको सॉल्व करना है और नहीं करना है, राइट, बाकी सब तो ये दो जीरो हो जाएंगे, तो दो जीरो हो गए तो आपको केवल इसके लिए करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, y into, तो y को हम बाद में लिखेंगे, हम केवल इतना ले लें, y प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ वन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन माइनस ओमेगा, राइट। ये एक छोटी सी स्टेप थी जिससे आप क्वेश्चंस को कर सकते थे। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा सब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस देखिए कितना ओमेगा स्क्वायर वाई, ये देखिए कैंसिल, प्लस ओमेगा क्यूब यानी वन माइनस ओमेगा फोर मतलब माइनस ओमेगा, राइट। अब माइनस ओमेगा से किसी है तो माइनस वाई ओमेगा, आप इसके साथ करिए माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब यानी माइनस वन। अब ध्यान दीजिए, देखिए वाई ओमेगा से वाई ओमेगा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर वाई से ओमेगा स्क्वायर वाई कैंसिल, वन से वन कैंसिल, आपके पास एक तरह से ये रिजल्ट बचा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी लॉजिकली वाई स्क्वायर प्लस वन बचा, राइट, क्योंकि माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है जीरो। अब आइडिया आपने पहले लगा लिया था तो इसको छोड़ो तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब यानी वन, राइट। अब देखिए इसको आप वन प्लस वन हो गया टू, तो वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू माइनस वन, यानी एक तरह से वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ वन, यानी वाई स्क्वायर बचा और एक बार पहले का था जो मैंने आपको बोला था छोड़ दिया, तो करेक्ट आंसर विल बी y क्यूब। आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके कर सकते थे और बाद में अल्फा की जगह ओमेगा और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख के सॉल्व कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इजीली सॉल्व किया जा सकता था, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द सर्कल, सर्कल है ठीक है, इस सर्कल का ऑब्वियसली सेंटर जीरो जीरो है। अब बोला फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द सर्कल, अब इस पे कोई पॉइंट है मान लो, इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ली तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है ए बी, अब पॉइंट क्या ले ले, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो सबसे अच्छा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लें, तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये हो गए कोऑर्डिनेट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू वन, यानी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू वन, इसका मतलब अगर हम देखें तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गई, कितनी इंटरसेप्ट फॉर्म से देखें तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे sec थीटा कॉमा जीरो, इसके होंगे जीरो कॉमा cosec थीटा, यानी आप लॉजिकली समझिएगा ये लाइन बन गई टेंजेंट जिसका इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस वन अपॉन cos थीटा मतलब sec थीटा प्लस y अपॉन cosec थीटा इक्वल टू वन, तो ये हो गया sec थीटा कॉमा जीरो, ये हो गया जीरो कॉमा cosec थीटा। अब आपको बोला है
टेंजेंट इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट. अब इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो अगर मैं इसको एच के मान लू तो एच इक्वल टू कितना होगा, एच इक्वल टू होगा दिस प्लस दिस अपॉन टू, यानी sec theta upon 2. तो ऐसा भी sec theta upon 2 लिख दो आप चाहो तो, h इक्वल टू, एंड k इक्वल टू होगा cosec theta upon 2. मतलब बेसिकली cos theta इक्वल टू, इसको अगर मैं यहां ले आऊं तो cos theta इक्वल टू h by 2, सॉरी ऐसा हो जाएगा, देखिए h इक्वल टू 1 upon 2 cos theta, तो cos theta इक्वल टू 1 upon 2 h, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के, इनके स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम, टू को इधर ले आओ तो 4 इक्वल टू 1/h² + 1/k² या 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. एच के मत लिखना आप, डायरेक्ट एक्स वाई लिखना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x² y² इक्वल टू 0. दिस इज लोकस ऑफ टेंजेंट ऑफ मिड पॉइंट. सिंपल सा लॉजिक, एक सर्कल है, इस पर आपने एक पॉइंट लिया सर्कल पर, कॉस थीटा साइन थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर से, इंटर निकाले, लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना, तो एच के आपने इजीली निकाल लिया एच और के, और कॉस और साइन थीटा को एलिमिनेट किया तो अपने आप ही लोकस मिल गया. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स क्विक रिविजन में करवाया था वही है. S इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा, अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर, देन S लाय ऑन, मतलब लोकस पूछा है. S मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, X प्लस आयोटा वाई इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा. आपको पता है इसको रेशलाइज करोगे तो एक्स वाई मिल जाएगा, क्योंकि लोकस बताना है, तो अल्फा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन, यानी बेसिकली हम बोलेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अल्फा आयोटा बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी बाय अल्फा स्क्वायर प्लस वन. तो एक तरह से एक्स इक्वल टू मुझे मिला अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन, और वाई इक्वल टू मिला टू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन. अब लोकस बताना, देख के समझ में आ रहा है कि अल्फा को एलिमिनेट करना है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, तो अगर मैं इसको सर्कल जैसा देखूं रेडियस, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर नीचे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर अल्फा स्क्वायर. आ गया समझ में, ये क्या हो गया, देखिए कभी भी याद रखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी हो तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड देन दिस इज ऑल्सो राइट डाउन अल्फा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कैंसिल वन, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन. दिस इज द राइट आंसर. राइट, नोट डाउन.